सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं ओप्पो के कलर ओएस 13 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 13 के अपडेट के बारे में और इसके कंप्लीट फीचर के बारे में। तो अगर आप लोग यहां पर ओप्पो का ए सीरीज का, ओप्पो की एप सीरीज का या फिर ओप्पो रेनो का कोई भी डिवाइस है ना वो यूज करते हो, वीडियो को यहाँ पर कम्प्लीट देखते रहिए। कम्प्लीट फीचर है जो कि आप लोगों को कलर ओएस 13 अपडेट के अंदर देखने को मिलते हैं, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको साथ में यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। वीडियो अगर आपको ये पसंद आ रही है तो आप लोगों को यहाँ पर वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार यहाँ पर विजिट कर रहे हो तो इसको आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना है ताकि फ्यूचर में आपकी डिवाइस के लिए अपडेट आएगा तो आप लोगों को उसके रिगार्डिंग वीडियो है ना वो सबसे पहले यहीं पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर गाइज आप लोगों को जो कलर ओएस 13 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 13 का अपडेट है ना वो पर देखने को मिलता है। उसका इंटरफेस है वो आप लोग देख सकते हो, बीटा वर्जन है वो अभी यहाँ पर रिलीज किया गया है और 5.03 GB की आप लोगों को यहाँ पर अपडेट की टोटल साइज है वो देखने को मिलती है और ये अपडेट है कलर ओएस 13 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 13 अपडेट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कौन कौन से आप लोगों को फीचर है ना वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं इस अपडेट के अंदर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे बड़े चेंज के बारे में जो कि है हमारा कंट्रोल सेंटर। तो दिन में हम लोग पता नहीं कितनी बार कंट्रोल सेंटर है उसको यहाँ पर यूज करते हैं, तो एक डिवाइस के अंदर ये वाला फीचर है ना वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसका इंटरफेस है वो काफी यहाँ पर मैटर करता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ओप्पो का कलर ओएस 13 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 13 अपडेट के अंदर कलर इंटरफेस है वो पूरी तरीके से यहाँ पर चेंज हो चुका है और जो आप लोगों को नोटिफिकेशन सेंटर देखने को मिलता है वो भी काफी यहाँ पर डिफरेंट है। ऊपर की तरफ आप लोगों को जो दो टाइल्स देखने को मिलती है उनकी साइज है उनको थोड़ा यहाँ पर बड़ा किया गया है जो कि इस कंट्रोल सेंटर को थोड़ा यहाँ पर यूनिक है वो बना देता है। एक आप लोगों को विजेट है वो देखने को मिलता है और वो है म्यूजिक का। तो अगर आप लोग कोई म्यूजिक है उसको प्ले करोगे सो ऑन ऑफ और आगे पीछे करने का आप लोगों को ऑप्शन है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है डायरेक्टली यहाँ पर। और बाकी के आप लोगों को जितने भी जो टॉगल्स देखने को मिलते हैं, टाइल्स देखने को मिलते हैं, ऑप्शन देखने को मिलते हैं वो सारे आप लोगों को यहाँ पर सेम ही देखने को मिलते हैं जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर कलर ओएस 12.1 अपडेट के अंदर देखने को मिला था। अगर गाइस आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है मेरे से यहाँ पर पर्सनली है वो यहाँ पर बात करना चाहते हो सो आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम की आईडी ना वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप लोग मेरे से यहाँ पर पर्सनली बात कर सकते हो और आप लोगों को रिप्लाई है ना वो थोड़ी देर के अंदर देखने को मिल जाएगा। और अगर आप लोग चाहते हो इस तरीके का वॉलपेपर है वो अपने डिवाइस के अंदर इंस्टॉल करना सो इसकी प्रोसेस काफी सिंपल है। टेलीग्राम को ओपन करना है और यहाँ पर आप लोगों को सर्च करना है सहेज वॉलपेपर, तो आपके सामने ये वाला टेलीग्राम चैनल है वो आ जाएगा जहाँ पर ऑलरेडी 6000 मेंबर है ना वो एक्टिव रहते हैं और आप लोगों को वॉलपेपर है ना वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इसके अंदर आप लोगों को एक सबसे बड़ा चेंज है ना वो यहाँ पर ये देखने को मिलता है। अगर आप लोग क्लिक करते हो 3 डॉट पे तो यहाँ पर आपको एक्टिव एप्स का एक ऑप्शन है ना वो यहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये एक काफी इंटरेस्टिंग फीचर है। यहाँ पर गाइस मैं आपको बता दूं एक्टिव एप, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने अपने डिवाइस के अंदर एक KWGT का विजेट है ना उसको यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है आई लव सेप्टेम्बर। जैसे अक्टूबर आएगा तो वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली आई लव अक्टूबर। तो अगर आप लोग इस तरीके की क्लॉक है वो आपकी डिवाइस अंदर सेट करना चाहते हो, वो कोई भी एंड्रॉइड का डिवाइस है वो हो सकता है, तो आपको यूट्यूब ओपन करना है और सिंपली आपको सर्च करना है क्लॉक विजेट सहेज सेन। तो गाइज ये 4 वर्ड आप लोग सर्च करोगे तो आपके सामने मेरी ये वाली वीडियो है ना वो आ जाएगी। इसको भी आप लोग वॉच कर सकते हो, बाकी ये थोड़ी पुरानी है इसको भी आप लोग वॉच कर सकते हो। इसके अंदर मैंने आपको बता रखा है इस तरीके की क्लॉक है वो आप लोग कैसे सेट कर सकते हो जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर अच्छी लगती है एक डिवाइस के अंदर। तो ये मैं आपको बता रहा था कि KWGT का जो विजेट होता है ना वो एनी टाइम यहाँ पर एक्टिव रहता है रात और दिन। टेंशन मत लेना, इससे आपकी डिवाइस की बैटरी है ना वो यहाँ पर लो नहीं होगी, ज्यादा ड्रेन नहीं होगी। तो एक्टिव ऐप पे आप लोग जैसे प्रेस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी एप्लीकेशन है ना वो आपकी डिवाइस के अंदर है वो एनी टाइम यहाँ पर एक्टिव रहता है, तो उसका आप लोगों को यहाँ पर एक अलग से नोटिफिकेशन है ना वो देखने को मिल जाएगा। तो ये एक आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है ना वो देखने को मिल जाता है। बाकी एडिट टाइल का ऑप्शन है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है, इसको भी आप लोग यहाँ पर कस्टमाइज कर
सकते हो। और ऊपर की तरफ आप लोगों को जो क्लॉक देखने को मिलती है वो भी थोड़ी यहाँ पर बोल्ड हो चुकी है, थोड़ी ज्यादा यहाँ पर इसकी लेंथ है वो यहाँ पर बड़ी की गई है। अब बात कर लेते हैं सेकंड चेंज के बारे में जो कि आप लोगों को मिलता है विजेट्स के अंदर। तो सिंपली गाइज आप लोगों को विजेट्स वाला ऑप्शन है उसको ओपन कर लेना है। तो इसके अंदर वैसे कोई नए विजेट है वो एड नहीं किए गए हैं आप लोग यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो, लेकिन आपको ऊपर की तरफ एक ऑप्शन है ना वो देखने को मिलता है। सिंपली आप लोगों को इस पे यहाँ पर प्रेस कर देना है। अभी आप लोग देख सकते हो आप लोगों को जो भी यहाँ पर इंपोर्टेंट एप्लीकेशन है आपके डिवाइस के अंदर उसका आप लोगों को एक अलग से ऑप्शन है वो देखने को मिलता है और उसके विजेट्स है ना वो भी आप लोगों को मिल जाते हैं। जैसे कि क्लॉक का ये दो विजेट है वो आपको मिल जाते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर अपनी होम स्क्रीन है इसके अंदर अप्लाई कर देता हूँ जो कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से अप्लाई हो चुका है। और भी मैं आपको विजेट्स है वो दिखा देता हूँ, जैसे कि स्टेप ट्रैकर के विजेट्स आपको मिल जाते हैं, वेदर एप्लीकेशन का विजेट है वो आप लोगों को मिल जाता है, स्पोर्ट्स इवेंट का आप लोगों को विजेट है वो मिल जाता है, और भी बहुत सारी एप्लीकेशन के विजेट्स है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग अपने डिवाइस के अंदर विजेट्स है उसको अप्लाई कर सकते हो। और ऑटो का एक ऑप्शन है ना वो आपको मिलता है जहां पर ये जो इमेज है ना वो यहाँ पर चेंज होती रहती है। तो मेरे को पर्सनली विजेट्स इतने अच्छे नहीं लगते होम स्क्रीन के ऊपर, तो इनको मैं यहाँ पर एक बार रिमूव कर देता हूँ। बाकी अगर आप लोग यूज करना चाहते हो सो जैसे अपडेट आएगा आप लोग इनको यूज कर सकते हो। बात कर लेते हैं कुछ और चेंज के बारे में। तो जैसे आप लोग इस पे यहाँ पर प्रेस करके रखते हो सो ये वाला आप लोगों को एक नया इंटरफेस है वो यहाँ पर मिल जाता है। बैकग्राउंड के अंदर जो भी स्क्रीन है ना वो यहाँ पर ब्लर हो चुकी है, जो एप्लीकेशन को मैंने सेलेक्ट किया है उसी का आप लोगों को लोगो है वो यहाँ पर मिल जाता है। और ये जो बॉक्स है इसको भी यहाँ पर चेंज किया गया है इस अपडेट के अंदर। और अगर आप लोग ओपन कर लेते हो इसके ऐप इन्फो को तो आप लोग देख सकते हो इसका पूरा का पूरा जो इंटरफेस है वो चेंज हो चुका है। यहाँ पर आपको तीन बॉक्स जैसे कैटेगरी के अंदर तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, नीचे एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है और यहाँ पर ये एक बॉक्स है। तो इस तरीके से आप लोगों को बहुत सारे नए बॉक्स है ना वो देखने को मिलते हैं जो कि एक नया डिजाइन है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट चेंज के बारे में। तो सेटिंग एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और जैसे आपकी डिवाइस के लिए नया सॉफ्टवेयर अपडेट है वो यहाँ पर अवेलेबल होगा। तो गाइज आप लोग देख दो उसका इंटरफेस है वो आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा सॉफ्टवेयर अपडेट। अब बात कर लेते हैं एक और चेंज के बारे में। तो पहले आप लोगों को यहाँ पर एक पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन है वो देखने को मिलता था जिसको अब यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है। पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन है उसको यहाँ पर रिमूव नहीं किया गया है, उसका नेम है वो यहाँ पर चेंज कर दिया गया है और वो है वॉलपेपर एंड स्टाइल। तो इसको आप लोग जैसे ओपन करोगे पुराना वाला ही इंटरफेस है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। कलर के जो भी आपको ऑप्शन मिलेंगे वो भी आप लोगों को यहाँ पर कलर OS 12 अपडेट के अंदर मिलते थे वही सेम आप लोगों को यहाँ पर मिलते हैं। बस नीचे की तरफ एक छोटा सा सजेशन है वो ऐड किया गया है जैसे कि डिस्प्ले साइज, तो उसको आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हो। बाकी सारी चीजें है ना वो आप लोगों को सेम ही देखने को मिलती है। यहाँ पर थीम एप्लीकेशन का लोगो है ना उसको यहाँ पर चेंज किया गया है। और गाइज अगर आप लोग ओपन करते हो होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन तो होम स्क्रीन मोड है वो आप लोग को यहाँ पर कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, स्टैंडर्ड मोड और ड्रॉवर मोड। तो ये आप लोगों को यहाँ पर इंटरफेस है ना वो इनका यहाँ पर चेंज देखने को मिलता है। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस तो ये आप लोगों को यहाँ पर सेम ही देखने को मिलता है। डार्क मोड है इसके अंदर बहुत ही जल्दी से यहाँ पर ये स्विच करता है, तो ये एक अच्छी बात है कि ज्यादा आप लोगों को यहाँ पर स्मूथ ये अपडेट है ना वो यहाँ पर मिल जाता है। अब गाइज अगर आप लोग यहाँ पर वॉल्यूम अप या फिर वॉल्यूम डाउन करोगे तो उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का मिलेगा। अगर आप लोग इसको कुछ यहाँ पर बड़ा कर दोगे सो इसका भी इंटरफेस है वो आप लोगों को यहाँ पर चेंज देखने को मिल जाता है। तो इसके अंदर आप लोगों को हल्का सा बैकग्राउंड ब्लर है वो यहाँ पर एड देखने को मिलता है। और अगर आप लोग स्क्रीनशॉट है उसको कैप्चर करते हो सो उसका आप लोगों को यहाँ पर एनिमेशन है ना वो यहाँ पर कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है। और जितने भी जो नोटिफिकेशन है वो हमारे डिवाइस के अंदर आएंगे वो आप लोगों को सारे यहाँ पर यही पे देखने को मिलेंगे, तो ये एक अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं और कुछ चेंजेस के बारे में। तो गाइज अगर आप लोग ओपन करोगे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी तो इसका पूरी तरीके से यहाँ पर इंटरफेस है ना वो यहाँ पर चेंज कर दिया गया है ओप्पो की तरफ से। और अगर आप लोग ओपन करते हो लोकेशन को तो यहाँ पर लोकेशन का इंटरफेस है वो भी चेंज हो चुका है। बैटरी को अगर आप लोग ओपन करते हो तो मेरे हिसाब से इसका भी इंटरफेस है वो आप लोगों को चेंज देखने को मिलता है। पहले ये वाली जो लाइन थी ना ग्रीन वाली वो
थोड़ी बड़ी होती थी, लेकिन अब इसको थोड़ा यहाँ पर स्लिम कर दिया गया है और ऊपर आप लोगों को परसेंटेज है वो शो हो जाएगा और लास्ट अबाउट है वो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो आप लोगों को ग्राफ मिलता है वो आप लोगों यहाँ पर काफी डिटेल के साथ में देखने को मिलता है, तो आप लोग पता लगा सकते हो कौन सी एप्लीकेशन ने आपकी बैटरी ना उसको सबसे ज्यादा यहाँ पर ड्रेन किया है, बैटरी यूजेज बाई एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आप लोग इसको भी चेक कर सकते हो डायरेक्टली कौन सी एप्लीकेशन ने बैटरी ना उसको ड्रेन किया है। सेफ्टी एंड एमरजेंसी, तो मेरे हिसाब से ये वाला एक नया फीचर है ना, एक नया चेंज है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो एक बार इसकी थोड़ी हम लोग सेटिंग है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो गाइज आप लोग अपने जो पावर बटन है ना उसको प्रेस करके रखते हो तो आप लोग को यहाँ पर जो गूगल असिस्टेंट है वो यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो इसको तो पहले ऑफ करते हैं, बाद में गाइज क्या होगा आप लोग जैसे इसको यहाँ पर प्रेस करके रखोगे ना इस तरीके की एनिमेशन है वो यहाँ पर आ जाएगी, और ये जो एनिमेशन होती है ना इसको आप लोग पकड़ के ऊपर की तरफ यहाँ पर स्वाइप करोगे तो आपका फोन है वो रिस्टार्ट हो जाएगा, नीचे की तरफ कर दोगे सो फोन है उसका पावर ऑफ हो जाएगा। तो ये आप लोगों को एनिमेशन मिलती है। ये एनिमेशन MIUI के जो डिवाइस है ना जो कि Xiaomi Redmi Poco की डिवाइस है उनके अंदर काफी पहले से देखने को मिलते हैं। स्पेशल फीचर है उनको आप लोग ओपन करोगे तो वही सेम डिजाइन है वो आप लोगों को मिल जाती है, बस इनका थोड़ा सा यहाँ पर इंटरफेस है वो ऐड किया गया है और एक बॉक्सी डिजाइन है इसके अंदर आप लोगों को हर एक फीचर है ना वो देखने को मिल जाता है, और बाकी आप लोगों को यहाँ पर जो एनिमेशन है वो यहाँ पर सेम ही देखने को मिलती है। इस अपडेट के अंदर डिजिटल वेल बेरिंग एंड पेरेंट TL कंट्रोल है उसका भी इंटरफेस है वो चेंज किया गया है, एडिशनल सेटिंग है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके की है। तो ये सारे गाइज आप लोगों को चेंजेस है वो देखने को मिल जाते हैं इस अपडेट के अंदर, और बाकी कोई ऐसा नया बड़ा चेंज है ना वो आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिलता है। और एनिमेशन है वो आप लोग देख ही सकते हो कुछ इस तरीके की एनिमेशन है उनको यहाँ पर एड किया गया है इस अपडेट के अंदर। और गाइज मैं आप लोगों से बात करूँ कुछ चेंजेस के बारे में, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यूट्यूब एप्लीकेशन है उसके अंदर जो आपको एनिमेशन मिलती है उसको अभी भी यहाँ पर रखा गया है, रिमूव नहीं किया गया है, तो ये एक अच्छी बात है। सभी जगह पे आप लोगों को एनिमेशन है वो देखने को मिल जाती है। तो गाइज आप लोगों को ये सारे फीचर है ना वो यहाँ पर ऐसे अच्छे लगे तो आप लोगों को यहाँ पर वीडियो को जरूर से लाइक करना है, और चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक भी यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को यहाँ पर ऑल पे प्रेस कर देना है, और अगर आप लोगों ने टेलीग्राम है उसको यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया है तो ओप्पो का कलर OS अपडेट का टेलीग्राम चैनल है इसको आपको ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर आप लोगों को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है ना विद स्क्रीनशॉट के साथ में जल्दी ही देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि रिसेंटली ओप्पो का F21 प्रो जो डिवाइस है ना 5G उसके लिए कलर OS 13 का अपडेट आया था, तो मैंने आपके साथ में स्क्रीनशॉट है वो पहले ही यहाँ पर शेयर कर दिया था कि अपडेट है ना वो रिलीज हो चुका है। सो जिन लोगों को पता नहीं चल रहा था उन लोगों ने इस नोटिफिकेशन को देख के चेक किया तो सच में उनके डिवाइस के लिए अपडेट है ना वो यहाँ पर आ गया था। तो गाइज यही बातें ना वो आपके साथ में शेयर करनी थी, अगर आप लोगों को ये फीचर है ना वो यहाँ पर अच्छे लगे तो यार अच्छा ही है अपडेट तो कलर OS का। तो मैं अपना ओपिनियन है वो आपके साथ में शेयर करूं तो अपडेट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और काफी ज्यादा आप लोगों को स्मूथ देखने को मिलता है। इसके अंदर कुछ नए फीचर है वो भी चेंज किए गए हैं और कुछ आप लोगों को बड़े चेंजेस हैं वो भी यहाँ पर मिल जाते हैं, और यहाँ पर हैप्टिक फीडबैक है उसको भी काफी ज्यादा यहाँ पर इम्प्रूव किया गया है इस अपडेट के अंदर। तो ये आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट रिव्यू है ना वो देखने को मिलता है ओप्पो के कलर OS 13 बेस्ड ऑन Android के अपडेट का। अगर आपका कोई भी सजेशन है तो आप लोगों में बता सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी मैंने आपको जितने भी फीचर है वो इस अपडेट के अंदर देखने को मिलते हैं सारे ही आपके साथ में यहाँ पर शेयर कर दिए हैं। तो गाइज आज की वीडियो में यही न्यूज है ना वो आपके साथ में शेयर करनी थी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना है, और यहाँ पर टेलीग्राम है उसको भी ज्वाइन कर लेना है। मैं मिलता नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।